पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा से, और आपको लोग नजर आएंगे, उत्साह नजर आएगा, जो सीधा प्रसारण देख रहे हैं चंद्रयान 3 का। और इस प्रसारण के दौरान आप देखिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सभी के चेहरे पर ये खुशी देखने को मिल रही है। साथ में लाइव प्रसारण आप देखिए, लैंडिंग की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है, लैंडिंग होने वाली है, कुछ ही मिनट की दूरी रह गई है। ऐसे में उत्साह देखते ही बन रहा है सभी लोगों का, और तस्वीरें आप ये देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा की। एक तरफ आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे स्क्रीन पर, दूसरी तरफ आपको जो तमाम साइंटिस्ट हैं वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, चंद्रयान 3 से जुड़े हुए नजर आएंगे। और साथ में उत्साह देखिए, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में झंडा भारत का नजर आ रहा है, और उत्साह उन सबके लिए, ये बेहद खास पल है। इन छोटे बच्चों को अभी मालूम नहीं है कि उन्होंने इतिहास में दर्ज होने वाला ये कितना बड़ा पल आज अपनी आंखों से देखा है। आज उस पल का ये बच्चे भी हिस्सा बने हैं, वो बुजुर्ग भी हिस्सा बने हैं, जिसके बारे में उन्हें बाद में भी सालों साल पढ़ाया जाएगा। भारत मून का ये जो मिशन चंद्रयान 3 है, वो आज यानी कि 23 अगस्त को उसने इतिहास रच दिया है। और ये तस्वीरें आप लोगों के उत्साह की देख सकते हैं, तमाम लोग आपको इस वक्त उत्साहित नजर आएंगे, और उनसे हम लोग बात भी कर लेते हैं। आप लोग बच्चों के साथ आए, मैम कैसा लगा कर? जी कुछ लोग हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ढेर सारे बच्चे भी हैं, उत्साह कैसा है, कैसा लगा प्रसारण? अपूर्व आनंद आया, ऐसा शायद इस जीवन में अब दूसरी बार अनुभव नहीं मिल पाएगा। इन बच्चों को ये एहसास आपने कराया कि ये इतिहास का कितना बड़ा एक पूरा मोमेंट आज देख रहे हैं? इन बच्चों के लिए आने वाला भविष्य बड़ा ही उज्जवल होगा, और शायद इस जीवन में हम दूसरी बार ऐसी देख पाए या न देख पाए, ये परमात्मा के हाथों में है। धन्यवाद। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों ने चंद्रयान 3 को वंदे मातरम बस। आप कौन सी क्लास में? फोर्थ। आपने चंद्रयान 3 के बारे में क्या जाना है? मैंने जाना है कि अगर हमारा वो चंद्रयान 3 अगर लैंड हो गया तो हमारी कंट्री फर्स्ट नंबर पे आएगी। फर्स्ट नंबर पे पहली बार होगा कि साउथ में हमारे चंद्रयान कोई जो लैंड है उस पर लैंडिंग होगी मून की। आपका क्या नाम? मेरा नाम वरीमा है। आप क्या कहना चाहते हो, आपने चंद्रयान 3 के बारे में क्या कुछ जाना बड़ों से? मैंने चंद्रयान 3 से तो नहीं जाना, पर मैंने ये जरूर जाना कि अगर भारत को ठान ले तो करके रहेगा। क्या बात है। देखिए छोटे छोटे बच्चों का उत्साह आप देखिए। मैम आप क्या कहेंगे, आप बच्चों को दिखाने के लिए आज पूरा प्रसारण लाए हैं, आपने इनको बताया कि कितना बड़ा मोमेंट है पूरे देश के लिए? मैंने ये बताया है तभी तो इन लोगों ने अपने आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा इतिहास में सबसे बड़ा नाम हो गया है हमारा। ओके देखिए ये नोएडा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आपका क्या नाम है मैम? आई एम रिची अग्रवाल फ्रॉम फ्रेंच अपार्टमेंट। मैम मुझे बहुत गर्व है अपने इंडियन होने पर। जो आज इंडिया ने करके दिखाया है वो किसी देश ने नहीं करके दिखाया। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियंस। थैंक यू। तो सीधा प्रसारण इन सभी बच्चों ने देखा, बुजुर्गों ने देखा, और ये कितना बड़ा इतिहास का पल जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, इस बात को ये बच्चे बखूबी जानते हैं, इस बात को समझते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, और इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि कितने ज़्यादा ये लोग उत्साहित हैं। और बच्चों से भी बात कर लेते हैं, आपको क्या कहना है, जो लोग आपको लाइव सुन रहे हैं आप क्या बोलेंगे? ये इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड मूवमेंट है, और ओवरऑल मून पे लैंड करने वाली इंडिया फोर्थ कंट्री है, और साउथ पोल में लैंड करने वाली इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी है। सो इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट एंड प्राउड टू बी इंडियन। प्राउड टू बी इंडियन, हर शख्स के जबान पर यही है, प्राउड टू बी इंडियन। आपको आज कितना ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है, पहले आपका? मेरा नाम सौम्या है, एंड ऑब्वियसली बहुत ही एक इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है ये, जिसमें हमारा भारत अंतरिक्ष की चौथी महाशक्ति बन चुका है चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड।
टू बी एन इंडियन। सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ था, जो लास्ट 15 मिनट है उसे बोला जाता है बहुत क्रिटिकल टाइम है, तो ऐसे में आपके अंदर वो डर कितना था? आपका नाम? चंद्रयान, मेरा नाम गर्विश शर्मा है। चंद्रयान 2 को देखते हुए इस बार ये डर था थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत इसरो की बहुत और देश के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये, तो देश सब कुछ अच्छे से हुआ, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, जिस तरह से इसरो ने पूरा अपना बनाया था प्लान उसी तरीके से प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता रहा। मिनट टू मिनट की अपडेट जैसे जैसे हम आपको देते रहे, जैसे जैसे अपडेट्स हमें मिलती रही, वैसे ही यहाँ पर एक्साइटमेंट भी लगातार दिखता रहा, और वो एक्साइटमेंट इन बच्चों के अब चेहरों पर भी दिखाई देगा। बच्चों एक नारा सुना दो जरा ऑडियंस को, क्या कुछ आप कहोगे? बच्चों को आपने सुना, पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला वो क्षण अब से कुछ देर पहले हमने देखा, जो सालों साल आपकी और हमारी मेमोरी में, हमारे इतिहास में दर्ज रहेगा। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज नोएडा। भारत माता की जय।